नौसेना के इतिहास पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें शिवाजी महाराज के समकालीन जहाज के कई मॉडल बनाए गए हैं। तो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। समुद्र में तैनात भारतीय नौसेना के जज्बे को सलाम करने के लिए भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है और साल 1971 से भारतीय नौसेना दिवस की शुरुआत हुई थी। आजादी के बाद से ही भारतीय नौसेना ने लगातार नए कीर्तिमान स्थापित किए। और अगर भारतीय नौसेना दिवस की शुरुआत की बात करते हैं तो इसके पीछे भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध का भी एक किस्सा जुड़ा है, जिस पूरे मिशन को ऑपरेशन ट्राइडेंट का नाम दिया गया था। दरअसल 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति के दौरान भारत दो तरफ से युद्ध झेल रहा था। एक तरफ बांग्लादेश में स्थिति को काबू में करना था तो दूसरी तरफ पाकिस्तान द्वारा हमला किया गया था। और साल 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने तो जो भारतीय जवान हैं नौसेना में उनके उत्साह वर्धन के लिए प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद हैं। हमारे संवाददाता योगेश शीतल हमारे साथ मौजूद हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। योगेश, आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री की उपस्थिति बेहद महत्वपूर्ण। बिल्कुल रमा, आज का दिन काफी खास है, गौरवान्वित करने वाला दिन है भारतीय नौसेना के लिए। तो काफी गर्व करने वाला दिन है आजकल, क्योंकि ऑफिसर ट्राइडेंट को बेसिकली कमेमोरेट किया जा रहा है। ऐसे समय प्रधानमंत्री यहाँ पे होंगे, नौसेना के बीच में होंगे, नौसेना के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश देगा। हम पहले भी देखें कि प्रधानमंत्री जनरली जो चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो, नौसेना हो, कई त्योहारों के मौके पर या अन्य मौकों पर वो वहां पे जाते हैं और एक तरीके का जुड़ाव जो है वो जो हमारे जो सेना के लोग हैं उनके साथ उनका अक्सर रहा है। आज के कार्यक्रम के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री का यहाँ पे 4 बजे आगमन हुआ है। अभी जो राजघाट का किला है, कोंकण क्षेत्र में वो जो किला है जो छत्रपति शिवाजी महाराज को डेडिकेटेड है, वहां पे वो आए थे, अपनी आदरांजलि उन्होंने यहाँ पे दी। उनके साथ रक्षा मंत्री भी थे और साथ में महाराष्ट्र के गवर्नर रमेश बैस वो थे, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जितने भी जो पॉलिटिकल एरिना के लोग हैं वो यहाँ पे थे। अभी वो यहाँ से जो है तारकरली जाएंगे, जहां पर मुख्य कार्यक्रम जो है नौसेना का वो तारकरली में रखा गया है, जो कि जिसमें कि कई सारे डेमो जो है, डेमोस्ट्रेशन जो है वो भारतीय नौसेना की तरफ से किए जाएंगे। समुद्र तटीय इलाका है, नौसेना का एक काफी कहें तो काफी रिच हेरिटेज इंडिया को रहा है।